सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान बोडोंग और याफे की वजह से यूनलेंग सेट के एल्डर से बच गया था और उसे यूनियन मिली, पर उसने भी जियो यान को जाने दिया और यून शान का एनर्जी मार्क हटा दिया था। पर जियो यान ने उसे कहा कि वो यूनलेंग सेट से अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर लौटेगा। और अब जियो नान एकेडमी की तरफ निकल चुका था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियो नान एकेडमी में ओल्ड लिंग जूनर को बताते हैं कि मैंने जियो यान को यूनलेंग से बचा लिया था। जूनर कहती है कि यूनलेंग सेक्ट जियामा एम्पायर पर अपना पैर जमाए हुए हैं। यून पोटियन जो यूनलेंग सेक्ट के पहले मास्टर थे, उनके बाद यूनलेंग सेक्ट में कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नहीं दिखा, पर जियो यान किसी से कम नहीं है। उसने मेडुसा जैसे स्ट्रॉन्ग पेटिशनर को भी अपनी मदद करने के लिए तैयार कर लिया। ओल्ड लिंग कहता है कि आपकी दृष्टि वाकई बहुत अच्छी है। जियो यान आने वाले समय में हमारे गो कबीले के हेड भी उसे कम आंकने की मत नहीं करेंगे, पर इसके लिए जियो यान को पर्याप्त समय चाहिए ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि अभी के जो लोग हमारे गु कबीले में हैं, वो सिर्फ आंखों देखी चीजों पर विश्वास करते हैं और वो कभी जियो यान को आपका नहीं होने देंगे। जूनर कहती है कि जियो यान को चाहे मजबूत होने में कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं उसका इंतजार जरूर करूंगी। जियो यान जब एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर बन जाएगा तब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ओल्ड लिंग सोचता है कि जूनर जियो यान का सालों तक इंतजार करने को तैयार है, पर अगर जियो यान जल्दी मजबूत नहीं बना तो जूनर के टैलेंट और ब्यूटी के साथ उसके पीछे छिपी हुई पावर से उसे खुद से सामना करना होगा। जूनर ओल्ड लिंग से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि अभी जियो यान कहाँ है। ओल्ड लिंग बताता है कि जियो यान को जियानान एकेडमी में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जूनर इससे खुश हुई कहती है कि तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और अगर कोई जरूरी काम ना हो तो तुम्हें एकेडमी में आने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ एकेडमी के एल्डर मेरे गु कबीले पर एहसान जताने की कोशिश करते हैं, पर जब भी एकेडमी के रूल की बात आती है तो वास्तव में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओल्ड लिंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जूनर जियो यान से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और वो पहाड़ से नीचे आती है जहाँ उसे जियानान एकेडमी का एक सीनियर स्टूडेंट बाईशान मिलता है जो उसे पसंद करता था। वो जूनर से कहता है कि मैंने भी अभी माउंटेन से नीचे आकर ट्रेनिंग पूरी की है। जूनर उसे भाव नहीं देती और कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तभी वहाँ इंस्ट्रक्टर रोलिन भी आ जाती है। जूनर उनसे मिलकर खुश हुई कहती है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। रोलिन कहती है कि आधे महीने में एकेडमी में क्वालिफाइंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें पता होना चाहिए कि टॉप 20 के स्टूडेंट को इनर एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। तुम पिछले साल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी पर तुमने जानबूझकर इस मौके को गवा दिया। जूनर कहती है कि पिछले साल में एक न्यू कॉमर थी इसीलिए मैं सीनियर के साथ कॉम्पीट करने का एहसास कैसे कर सकती थी। रोलिन कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि पिछले साल तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, तुम जियो यान के साथ भाग लेने की वजह से इंतजार कर रही हो, पर जियो यान ने मुझे मूर्ख बनाया है। उसने एक साल की छुट्टी मांगी थी पर अब 2 साल हो चुके हैं जिसकी वजह से मुझे एल्डर से बहुत प्रेशर सहना पड़ा, इसीलिए मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ और मैं उसे एकेडमी से बाहर निकाल देती, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से रुकी हुई हूँ। जूनर उन्हें कहती है कि इंस्ट्रक्टर आप चिंता ना करें, इस साल जियो यान डेफिनेटली आएगा। रोलिन कहती है कि जियो यान पहले ही 2 साल की एकेडमी ट्रेनिंग को चूक चुका है, अगर वो आएगा भी तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्पिटिशन में जीत पाएगा, क्योंकि इसे पास करने में एक फाइट ग्रैंड मास्टर यानी दाडुशी की पावर भी कम है। जूनर उन्हें कहती है कि आपको जियो यान को कम नहीं आंकना चाहिए, उस समय जियो यान ने सिर्फ एक फाइट प्रैक्टिशनर होने के बावजूद आपको चुनौती में हरा दिया था। बाईशान भी उनकी बातें सुन रहा था और उसे जियो यान पर बहुत गुस्सा आता है कि उसे 2 साल की छुट्टी दी गई और जूनर उसे पसंद करती है। वो गुस्से में एक पेड़ को तोड़ देता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जियो यान में कितनी पावर है। वही हम जियो यान को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था। मास्टर जियो यान को बताते हैं कि आगे आने वाली जगह ब्लैक कॉर्नर रीजन के महान मैदानों का प्रवेश द्वार है, इसीलिए तुम्हें अपने पर्पल क्लाउड विंग्स को अंदर कर लेना चाहिए। जियो यान ऐसा ही करता है और मास्टर से पूछता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। मास्टर बताते हैं कि ब्लैक कॉर्नर रीजन कॉन्टिनेंट में एक फेमस अराजक क्षेत्र है। पर्पल क्लाउड विंग्स जैसी फ्लाइंग फाइट टेक्निक बहुत ही रेयर है, अगर
अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर की नजर में आ गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जियोयान कहता है कि यह जगह श्रापित जगह जैसी लगती है और अब वो ब्लैक रीजन के प्रवेश द्वार पर आ जाता है जहाँ एक आदमी जियोयान पर एरो से हमला करता है। जियोयान कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे बस कुछ इंग्रेडिएंट की तलाश है, आपने मुझ पर हमला क्यों किया? तो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम नौसिखिए हो, तुम पहली बार ब्लैक कॉर्नर रीजन में आए हो। हमारे यहाँ का रूल है कि तुम्हें ट्राइबल कैंप में एंटर करने के लिए रोड फीस देनी होगी जो 500 सोने के सिक्के हैं। जल्दी करो और मेरा समय बर्बाद ना करो। जियोयान कहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नियम है और अपनी स्पेस रिंग से कोई निकाल कर उसे दे देता है। तो आदमी गेट खोल देता है, जियोयान अंदर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो सामान का आदान प्रदान कर रहे थे। जियोयान सोचता है कि पहले मुझे एक नया मैप खरीदना होगा क्योंकि बोडोंग ने जो मुझे मैप दिया उसमें ब्लैक रीजन ग्रेट प्लेन के सटीक रूट नहीं है। जियोयान वहाँ सभी दुकानों में मैप तलाश करता है पर उसे वहाँ कोई मैप नहीं मिलता। जियोयान शिविर से बाहर आ गया था जहाँ वो देखता है कि शिविर के कुछ लोग एक व्यापारी को लूट रहे हैं। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जियोयान उन सभी से सॉरी कहकर जाने लगता है लेकिन वो लोग जियोयान को घेर लेते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उन्हें हमें सौंप दो। जियोयान कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम क्या करोगे? तो आदमी कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम जीने से थक चुके हो और तुम मरना चाहते हो और वो जियोयान पर हमला करने लगते हैं पर जियोयान उन्हें अपने रूलर से एक ही वार में खत्म कर देता है। ये देखकर वो व्यापारी भी खुश होता है और वो जियोयान को रोककर कहता है कि आज आपने मेरी मदद की वरना इन्होंने मुझे लूट लिया होता। जियोयान उसे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। उस व्यापारी का नाम डुओमा होता है जो जियोयान को रुकने ही कहता है और बताता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो इसीलिए आप मेरे साथ यात्रा कर सकते हैं क्योंकि मैं भी ब्लैक मार्क सिटी जा रहा हूँ। जियोयान पूछता है कि तुम्हें कैसे जानते हो? डुओमा कहता है कि हाल ही में ब्लैक मार्क सिटी में एक ऑक्शन आयोजित होने वाला है और यहाँ आने वाले सभी लोग किसी न किसी ट्रेजर की तलाश में है। जियोयान अब भी नहीं मानता तो डुओमा जियोयान को बताता है कि तुम नहीं जानते पर इस ब्लैक रीजन ग्रेट प्लेन में अक्सर काले तूफान आते रहते हैं। यदि आपका सामना किसी एक से भी हो गया तो तुम अपना रास्ता खो दोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मर्चेंट ग्रुप का एक गार्ड की तरह ख्याल रखें और उसके बदले में आप मेरे साथ यात्रा कर सकते हैं जिससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि तुम इसके साथ जा सकते हो क्योंकि एक नॉर्मल व्यापारी है, इसके साथ जाने से हम अपनी कुछ एनर्जी भी बचा लेंगे। जियोयान मान जाता है और अब वो मर्चेंट ग्रुप के साथ निकल जाता है। डुओमा जियोयान को ब्लैक कॉर्नर रीजन का मैप दिखाकर बताता है कि इस पर कई ताकतवर शक्तियों का कब्जा है। हम ब्लैक मार्क सिटी जा रहे हैं जो फेमस जियोयान एकेडमी के बगल में ही मौजूद है। ब्लैक मार्क सिटी को आर्ट गेट के द्वारा लंबे समय से नियंत्रित किया जा रहा है और उनके लीडर युआनी की ताकत ब्लैक रैंकिंग के टॉप 10 में से एक है। जियोयान पूछता है कि ब्लैक रैंकिंग क्या होती है तो बताता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर की रैंकिंग है जिन्हें ब्लैक रैंकिंग कहा जाता है और इन रैंकिंग पर आना आसान नहीं होता। जियोयान पूछता है कि ब्लैक रैंकिंग में टॉप पर अभी कौन है। डुओमा बताता है कि इस रैंकिंग के पहले और दूसरे पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तीसरी रैंक पर एक इम्प्रेसिव स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर है। ऐसा कहा जाता है कि पहले उनकी ताकत फायर टेम्परर के पीक पर थी और वो एक एल्केमिस्ट भी है इसलिए उसे मेडिसिन एम्परर कहा जाता है। जियोयान कहता है कि यह नाम काफी भारी लगता है, उसका असली नाम क्या है? डुओमा बताता है कि जहाँ तक मुझे पता है उसका असली नाम हान फेंग है। यह सुनकर याओ लाओ की स्पेस रिंग भी चमक उठती है क्योंकि यह उनका पुराना स्टूडेंट था जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। जियोयान अपने मास्टर को परेशान होता देख उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ पर वो कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ एक ब्लैक स्टॉर्म आने लगता है, इससे डुओमा काफी डर जाता है और अपने सभी साथियों से रुककर गाड़ियों को कवर करने को कहता है। सभी सैनिक रस्सियों से गाड़ियों को बांध देते हैं पर तेज तूफान की वजह से डुओमा गाड़ी के साथ उड़ने लगता है। जियोयान अपने पर्पल विंग को एक्टिवेट करके डुओमा को बचाकर एक पत्थर के पास ले आता है। डुओमा बेहोश हो गया था। याओ लाओ जियोयान को कहते हैं कि कोई इस तरफ आ रहा है इसीलिए अपने आप को छिपा लो। जियोयान ऐसा ही करता है, वो देखता है कि ब्लैक स्टॉर्म से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आती है। जियोयान देखता है कि बिल्कुल उसके मास्टर की तरह ही है और वो स्पिरिचुअल बॉडी फाइटिंग स्पिरिट के लेवल पर थी। तभी उस ब्लैक स्टॉर्म से होल ऑफ सोल्स का एक सोल एनवॉय बाहर आता है।
है जिसका काम स्पिरिचुअल बॉडी का शिकार करना था, इसीलिए वो फाइटिंग स्पीड वाली इस स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे था। स्पिरिचुअल बॉडी वाला इंसान उसे कहता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो, पर वो कोई जवाब नहीं देता तो उसे लड़ने लग जाता है, पर वो उससे नहीं जीत पाता और वो सोल एनोय उस स्पिरिचुअल बॉडी को मारता हुआ कहता है कि भले ही तुम जीवित रहते हुए कितने ही अच्छे या बुरे रहे हो, पर एक बार स्पिरिचुअल बॉडी बन जाने के बाद तुम मेरे हॉल ऑफ सोल्स के शिकार हो, और उसे खत्म कर देता है। जियो यान इससे डर जाता है। उस हॉल ऑफ सोल्स के सोल एनोय को वहाँ किसी का एहसास होता है। जियो यान भी उसे लड़ने के लिए अपने रूलर को बाहर निकाल लेता है, पर वो सोल एनोय देखता है कि वहाँ सिर्फ दो आदमी है और वहाँ कोई स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, क्योंकि याओ लाओ ने खुद को रिंग में छिपा लिया था। जियो यान उसे लड़ने के लिए बाहर आता है, पर तब तक वो जा चुका था। जियो यान अपने मास्टर से पूछता है कि वो कौन था, पर मास्टर गहरी नींद में थे और वो कुछ जवाब नहीं देते। जियो यान अब डुओ मा के साथ वापस से ब्लैक मार्क सिटी के लिए निकल जाता है। जियो यान को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन मास्टर जियो यान के सामने आ जाते हैं और जियो यान को कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हारे मजबूत बनने के बाद तुम्हें बताने की योजना बना रहा था, पर अब उन्हें होलो सोल्स को मेरे ठिकाने का पता चल गया है और उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। उनके सामने यूनलिंग सेट भी बहुत छोटा है और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और क्या तुम अब भी उनके बारे में जानना चाहते हो? जियो यान कहता है कि आप मुझे बताएं, मैं नहीं जानता कि वह शक्ति कितनी ज्यादा है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपका शिष्य हूँ और मेरी एबिलिटीज आपके द्वारा दी गई है। याओ लाओ इससे खुश हुए कहते हैं कि इस बार मैं अंधा नहीं हुआ, मैंने अच्छे शिष्य को चुना। और अब वो उसे अपना असली नाम बताते हैं, क्योंकि उनका नाम याओ लाओ नहीं बल्कि याओ चेन था। फिर वो उसे बताते हैं कि एक बार मैंने तुमसे कहा था कि इस विशाल डोक्यू कॉन्टिनेंट में स्ट्रॉन्ग एंटिटीज बादलों की तरह ही बहुत सारे हैं और उन्होंने कई अजीब ताकतें पैदा की है, जिनमें से हॉल ऑफ सोल्स भी एक है। ये बेहद ही ताकतवर और मिस्टीरियस होते हैं और मेरे जैसे जीवित सोल यानी स्पिरिचुअल बॉडी का शिकार करते हैं, जिन्होंने अपने फिजिकल बॉडी को खो दिया है पर उनकी स्पीड स्ट्रॉन्ग होती है। उस समय में लकी था जो उनके घेरे से बच गया और इस ब्लैक रिंग में छिप गया, जिसे सीमित स्वीकृति स्पीड से रिफाइन किया गया था। और मैं आज भी लकी हूँ जो अभी भी जिंदा हूँ। मैं अभी भी पुनर्जीवित होने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे ढूंढ लेंगे। मेरी उनसे कुछ पुरानी दुश्मनी है। जियो यान को होलो सोल पर बहुत गुस्सा आता है और वो मास्टर से कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही फालन हार्ट फ्लेम को प्राप्त कर लूंगा और आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन करूंगा। याओ लाओ कहते हैं कि सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, अगर मैं फिर से सामने आया और उन्होंने मुझे देख लिया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जियो यान कहता है कि मुझे जल्द ही जहाँ ताकत हासिल करनी होगी। जियो यान अब ब्लैक मार्क सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ ब्लड एम्पायर के भी कुछ लोग आते हैं। जियो यान ब्लैक मार्क सिटी के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।